So today we are going to see recurring decimals, basics only. Okay, only basics we will see, and everything whatever I am going to discuss, those are already given in the Swamiji book. ठीक है, लेकिन मैं उसको आसान करके आपको मैं बताता हूँ. बिफोर गोइंग टू डील विथ रिकरिंग डेसिमल कॉन्सेप्ट, वो बेसिक्स वो ऑब्जर्वेशंस आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अपन भी नया चीजों को फाइंड आउट करने समय पे इसी तरह अप्रोच होना है. उसलिए आज सिर्फ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, राइट. सो रिकरिंग डेसिमल के बारे में बात करेंगे तो इन जनरल वो क्या होता है कि रेसिप्रोकल बोलता है. जनरल रेसिप्रोकल ऑफ ए इनवर्स ऑफ एनी डिजिट और एनी नंबर. ठीक है, उसी तरह नंबर्स होता है अपन को. फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ऑफ 2 क्या होता है? इनवर्स. रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्स है, ये क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है. ठीक है, पर सपोज रेसिप्रोकल ऑफ 17 है, पर सपोज ये क्या हो जाता है? 1/17 हो जाता है. ठीक है, सो जो भी रेसिप्रोकल आता है अपन उसको डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स होता है. जो भी रेसिप्रोकल और इनवर्स वैल्यूज आता है पर्टिकुलर नंबर का, उसको डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? नेचर होता है. ठीक है, वो नेचर से हम डिपेंड करके जो भी रिकरिंग डेसिमल्स को हम 3 टाइप डिवाइड कर सकते हैं. ओके, कितना टाइप्स? 3 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं उसका नेचर पे डिपेंड करके. पहला क्या था? टर्मिनेटिंग था. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सेकेंड वन रिकरिंग डेसिमल्स एंड थर्ड वन मिक्स्ड डेसिमल्स भी बोल सकते हैं इसको, या नहीं तो पार्टली रिकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये अब तक मैं जो भी बोल रहा हूं सबको क्लियर है ना? जो भी नंबर को हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तभी जो भी रेसिप्रोकल का जो भी आंसर आता है वो फ्रैक्शंस होते हैं. उस फ्रैक्शन का उसका नेचर पर डिपेंड होके कितना टाइप्स डिवाइड किया था अपन? पूरा 3 टाइप्स डिराइव किया था. इसमें हम एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला टाइप वन. टाइप वन क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स था टाइप वन. ये टर्मिनेटिंग का डेसिमल का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल्स एंड हो जाता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, उसको टर्मिनेट बोलते हैं. सो कब हम प्रश्न को देख के, क्वेश्चन को देख के टर्मिनेट या रिकरिंग हम डायरेक्टली बोल सकते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए वो प्रॉपर्टी हम एक बार देखेंगे. डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा हूं मैं? डिनोमिनेटर में हमको 2 पावर n 5 पावर m इसी तरह डिनोमिनेटर में है तो हम इधर क्या बोल सकता है कि जो भी हमको फ्रैक्शन आया है, ठीक है, वो वैल्यू टर्मिनेट हो जाता है. और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि n वैल्यू m वैल्यू नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स मतलब पॉजिटिव होना है. सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, 1/2, ठीक है, और 1/5 और 1/10. मैंने बोला था इधर क्या है, सपोज डिनोमिनेटर 2 × 5 लिख सकते हैं इधर हमें, राइट? मतलब पावर वन है, मतलब एन वैल्यू एम वैल्यू इधर इक्वल है.
तो इसका आंसर अपन को कितना आ जाता है, 0.1 आ जाता है। आंसर पर डिपेंड मत करो, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो समझो पहले, ठीक है? पहले समझना था, बाद में आपको कॉन्सेप्ट इजी आसान से हो जाता है। और इधर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 पावर 1 × 5 पावर 0 लिख सकते हैं इधर भी, ठीक है? और इधर हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 1 2 पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एनी नंबर हैविंग पावर जीरो इट्स वैल्यू 1 है उस लिए, ठीक है? सो इसका आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा। और इधर कितना आएगा अपन को, 0.2 आएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैंने इधर एग्जाम्पल लिया है, ये नंबर्स क्या है कि इनवर्स नंबर बोलते हैं। इनवर्स नंबर बोलने का रीजन क्या है कि सिंपली जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होता है कि सेम नंबर होता है उसका, चेंज करने पर सेम नहीं। सपोज मैंने 2 लिया था, इसका इनवर्स 2 हो गया, डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है, और स्टैंडर्ड न्यूमरेटर 1 होता है। सपोज जो भी मैंने 3 एग्जाम्पल लिया था, इसका न्यूमरेटर 1 है। सपोज न्यूमरेटर 1 नहीं है तब क्या होता देखेंगे। सपोज 59/2 है, जो इसका आंसर कितना होता है, 29.5। और 564/64 लिख रहा हूं मैं। 64 का मतलब क्या है इधर, ये पूरा 2 का पावर था, है कितना होता है, 2 पावर 6, क्योंकि Mn पॉजिटिव नंबर कितना भी हो सकते हैं। जो इसका वैल्यू कितना आता है, 8.8125 आ गया। देखो जो भी वैल्यू होता है वो एंड हो जाता है, बात समझ में आ रही है ना आपको, एंड हो जाता है, एंड हो रहा है ना, उसीलिए इसको टर्मिनेट नंबर्स बोलता है। जो भी नंबर को देखने के इमिडिएटली हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेट या रिकरेंट। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर इसी फॉर्म में है तो टर्मिनेट बोल सकते हैं। बात क्लियर सबको? सर नो, आप थोड़ा इंटरेक्ट है तो मैं भी थोड़ा स्पीड जाता हूँ, या नहीं तो मेरे को यस सर, अच्छा नहीं लगता। हाँ राइट, थैंक यू, ठीक है राइट। एक बात समझ लो, टर्मिनेट में हमको 2 पावर n 5 पावर m का मतलब क्या है कि सिंपली 5 का मल्टीपुल होना, या नहीं तो 2 का मल्टीपुल होना, या नहीं तो इस दोनों का मल्टीपुल होना है डिनोमिनेटर में, तभी टर्मिनेट होगा, राइट? आप रिकरेंट डेसिमल के बारे में बात करें, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है वो नंबर कैसा होना है टाइप 2 में, 2 पावर n 5 पावर m फॉर्म में नहीं होना है, फॉर्म में नहीं होना है, तब नंबर रिकरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 ले रहा हूं मैं इधर, जो इसका वैल्यू कितना होता है, 0.3333। इसी तरह ये नंबर आते रहते हैं, उसीलिए एक इसका एक एंड नहीं होता है, उसीलिए इसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जो भी ये पार्ट है इसको हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, और 0.3 बार भी लिख सकते हैं। उसका मीनिंग क्या है कि जो भी 3 का ऊपर बार लिखते हैं वो 3 वाला नंबर रिपीटेड आता है, उसका मीनिंग। या नहीं तो स्वामी जी ने क्या बोला है कि उसका बुक में 0.3 डॉट, 3 डॉट का मतलब स्वामी जी ने रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उधर कहा भी डॉट लगा दू वो वाला नंबर रिपीट होता बोल के, इंडिकेट करता बोल के स्वामी जी ने उसका बुक में दिया था, ये पहली बात। सपोज 1/13 था, 1/13 का वैल्यू कितना होता है, 0.07692 3 up to so on, या नहीं तो और एक नंबर भी मैं लिख देता हूँ इधर फिर से, 0.76293 so on। हम इधर क्लियरली बोल सकते हैं, बात इधर क्या है कि 0.07693 ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, आप इधर देख सकते हैं। और इसी नंबर को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, 0.6923, यहाँ डॉट लगाना और यहाँ लगाना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक डॉट
मेंटेन करना है, उसका मतलब वैल्यूज रिपीटेड होगा बोल के होता है. सो इसी तरह नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल एक स्मॉल एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए. इधर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1/19 वैल्यू ले लो, ये भी रिकरेंट होता है. 1/7 वैल्यू ले लो, ये भी रिकरेंट होता है. मतलब यहाँ मेरा बोलने का पॉइंट क्या है कि डिनोमिनेटर में 3, 7, 11 और हायर प्राइम नंबर, क्या बोल रहा हूं मैं, हायर प्राइम नंबर आपको दिख जाएगा, उसका मतलब क्या है कि वो रिकरेंट डिसिमल्स होते हैं. बात क्लियर? फॉर एग्जांपल यस सर, 56/49 था, ये क्या है, 56 प्राइम नंबर था, दे आर मल्टीप्लाइड ट्वाइस, उसका कोई लेने देना का नहीं इधर. इसका आंसर क्या है कि 1.142857 बार, मतलब अगेन वो 6 डिजिट रिपीट होता है. बात समझ में आ रही ना? उसमें देख के लिख रहा हूँ. ओके, सो लाइक वी हैव टू परफॉर्म द डिविजन सर, राइट? नहीं, मैं पहला आपको बेसिक थिंग सिखाने वाला हूँ. ओके सर, उसके बाद हम एंटर होंगे डायरेक्ट कैसा फाइंड आउट करना, क्योंकि इतना बड़े बड़े वैल्यू मैं तो याद नहीं रखता, मेरे को पसंद ही नहीं होता है याद रखना. ठीक है, राइट, यह क्लियर हो गए ना ये बात, राइट? अब हम देखेंगे ये मिक्सड फ्रैक्शन डेसिमल्स क्या होता है. ये मिक्सड में क्या होता है, सिंपली इसमें कॉम्बिनेशंस होता है. तार टाइप में, टाइप 3 में सिंपली आप लोग इसमें क्या होता है कि 2 पावर m, 5 पावर m एंड ये हायर प्राइम नंबर्स होते हैं ना, आप उनको कोई भी नंबर, हायर प्राइम नंबर्स कुछ भी, स्मॉलर नंबर से शुरू होके बड़े बड़े नंबर तक सब नंबर्स, इसका दोनों का प्रोडक्ट होता है डिनोमिनेटर में. इसका क्या होता है, प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल 1/6 है, ये वैल्यू अपन आसान से बोल सकते हैं कि 2 × 3 हम लिख सकते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू 0.16666 आ जाता है. बात समझ में आ रही ना? और 1/18 ले लो, इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 × 9 लिख सकते हैं, या नहीं तो 1/2 × 3 × 3, मतलब 3 रिपीट हो रहा है. सो इसका वैल्यू अपन कितना हो जाता है, 0.0555, इसी तरह वैल्यूज आ जाता है. इधर एक बार देखना है, इधर 2 है और उसके साथ प्राइम नंबर भी है, मतलब एक बार डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आ गया तो वो वैल्यू क्या होता है कि पार्शियली और पार्टली रिकरिंग डेसिमल होता है. उसका मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू एंड हो जाता है. आप इधर देख सकते हैं, 1 वैल्यू एंड हो गया है, उसके बाद जो भी वैल्यूज आ रहा है रिपीटेडली आता है, दोनों मिक्स होके आता है. और बात क्या है कि ये मिक्सड डेसिमल्स भी एंड नहीं होता है. उसका रीजन क्या है कि इस डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर इंक्लूड है, वो कारण है. और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर सपोज 45/132 है, सो इधर हम लिख सकते हैं 45/132 का मतलब हम इधर 11 टाइम्स, बीच में एडिशन है ना, वो 11 का कितना होता है, 12 टाइम्स. हाँ, और फिर हम इसको 45 and 11, ये 4 × 3, मतलब 3 × 2, 2 टाइम्स लिख सकते हैं जनरली. ओके, इधर अपन को यहाँ एक प्राइम नंबर, यहाँ एक प्राइम नंबर आ गया. बात समझ में आ रही ना? तब इसका आंसर क्या होता है, 0.34098
0909 इसी तरह वैल्यू रिपीट होता है। आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हैं दो डिजिट के बाद ए नंबर रिपीट हुआ है, उसका रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर में अपन को प्राइम नंबर है। मैं इधर आपको एक बात बोला था, यहाँ एक डिजिट रिपीट हुआ था, यहाँ दो डिजिट रिपीट हुआ था, इधर भी एक डिजिट रिपीट हुआ था, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आप नोट कर लेना बुक में, क्योंकि फिर इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, फिर से मैं नहीं लिखता हूँ, इसलिए बात क्लियर है कि नहीं। राइट, आप थोड़े एग्जाम्पल्स के बाद देखेंगे, उसके स्लोली एंटर करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट को हम इन डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आसान से समझ में आ जाता है। सपोज 1/2 है, इसका वैल्यू कितना है 0.5, ये अपन को जनरली पता है। सपोज 1/4 ये कितना होगा 0.25, सर नो। सपोज 1/8 वैल्यू कितना होगा 0.125, ये आप उनको पता है। सपोज 1/5 कितना होगा 0.2, और 1/25 इसका वैल्यू कितना होगा 0.4, और 6 एग्जांपल देखेंगे, 1/125 इसका वैल्यू कितना होगा 0.008 होगा। सपोज 1/10 इसका वैल्यू कितना होगा 0.1 होगा, और 1/20 इसका वैल्यू कितना होगा 0.05 होगा। 0.04, thank you. Right, this one is 5. Right. Now we have to observe here one thing. वो क्या क्या है मैं अभी बताऊंगा। जो भी मैं बात इधर डिस्कस करता हूँ वो हमको बाद में यूज होगा। अब उसका मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में उसका यूज होता है। स्वामी जी उसका बुक में क्या बोलता है, कम से कम 10 पेपर्स पढ़ने के बाद ये समझ में आता है आपको, क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो भी एंड में डिजिट होता है, ठीक है, वो एंड में डिजिट को, जो भी डिनोमिनेटर में एंड में डिजिट होता है, एंड वाला बात कर रहा हूँ मैं, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू होता है इट इज एंडिंग विद जीरो। बात समझ में आए ना, क्लियर? यस सर। और इधर भी देख सकते हैं 4 × 5 इज 20 एंडिंग विद जीरो, एंड 5 × 2 10 मतलब एंडिंग विद जीरो। 5 × 4 that is 20 ending with 0, and 0 × 1 ending with 0. It means whenever you are taking non-recurrent decimals, they are always ended with 0. Suppose, for example, 625 I written here. How much I written? 625, not 625, let me take another different one. Suppose 1/16 I written here, so that gives us 0.062. Can you guess the last digit here, anybody? Why? Because take this number, okay, take this number, if you multiply last digit number, then it has to be ended with zero. You cannot put 10 value there, am I right? There is a chance is there either you can put 0 or 5. 5. Yes? 5. So 5 is chance is there. By the practicing, we can say that 5. But 0 also we can put. Why? Because 6 × 0 also is ending with 0. Am I right? But most of the questions, if you observe very carefully here,
So this is 2 power 1 and 2 power 2 and 2 power 3 like that. They are always ending with 5 only. So there is no chance for 0. And whatever digit is ending with 5, 5 power 2 and 5 power 3, 5 power 4, they are comes like 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. They are coming like that. The power of 2 they will come. But all these digits also, their power of 5 comes, but they are always ending with 5. Why? Because whatever power if you take for a 5, they are always ending with 5 only. Are you getting my point? So we can say that that value will be 5. It is clear. Then what happened? And another interesting point also I am here going to discuss. Very important an observation given by the Swamiji. That is, how many digit will come after the decimal? Are you getting my point? What is my question? How many digit will come after decimal? That is very, very important. So, for example, these are all the recurring decimals. Am I right? Yes or no? So, 2 power 1, 5 power m, it is the form only in the denominator. Am I right? Suppose n value is greater than m, n value is greater than m, then n decimal will be exist. Are you getting my point? Suppose m value is greater than n, then m decimal will be exist. Most of the people not understand this one, what I am saying. I will tell you now. Don't bother. Look at here. This value is nothing but 2 power 4 into 5 power 0 only. Where 4 greater than 0, that is n is greater than m. So m is greater than m, so that n number of decimal will come. Look at here. 1, 2, 3, 4. Are you getting my point? Yes, sir. Suppose look at here. 20 is there. 5 into 2 power 2. So here m value is 1 and n value is 2. So it is the greatest number. So that many decimal digit will be exist. Are you getting my point? This is also very, very important for further concepts. It is clear or not? Please tell me. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Good. Now let me take here recurring decimals. Suppose 1 by 3 is nothing but how much? 0.3 bar. And 1 by 7 is nothing but 0.1428 and 57. It is a very easy. And 1 by 9 is nothing but 0.1 bar. And 1 by 11 is nothing but 0.09. Okay. And 1 by 13 is nothing but 0.67. Next one, 6, 9, 2, 3. Okay, right. And 1 by 17 also very important here. So that is 0.058823529411767. This total number will be repeated. Okay. Right now, observe very carefully. Last digit if you are multiplying. So then you are getting 9. Here also nine. Getting 9. Here also getting 9. That means recurring decimal fractions if you are taking, those are always ending with 9. When if you take the product of the last digit of the denominator, the last digit of the decimal answer, their product is ending with 9. So we can easily identify the last digit. Suppose I have 3 here, so we can easily say the last digit will be 3. So 7 is there, so we can directly say the last digit will be 7. That is the one advantage. Okay. And another very, very, very important point.
here, 0.3 is there. If you multiply it with the denominator, then what is the value? Sorry. Only decimal values. So that is 9. Am I right? Suppose if you take this one and multiply it with the denominator 9, then it gives us 9. And here, 7 is there. 7 into the decimal answer, that is 142857. So it gives us 99999. How many nines I got? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 9. Is it clear my point? That means whatever recurrent answer is there, take that answer and multiply it with the total denominator. Then they always gives nines only. The mono digit will be give. Okay, mono digit. Why it is important? Why it is important? Because here, whenever finding the recurring decimal answer, half of the value if you find, then automatically by using complement of 9, you can find the remaining half of the value. I will show you that. Don't worry. Okay. Suppose, look at here. Let me write some questions to understand the concept. Okay. Right. I already told you, suppose denominator is ending with 1. Then decimal answer is ended with 7 only. Just now, in the previous example, I showed you. 3 is denominator value, unit place. Then decimal answer also ended with 3 only. Why? Because their product must be 9 only. Suppose 9 if you are taking, okay, then is ended with 1. 1 if you are taking, then it is ended with 9 only. Why? Because if you multiply them, the decimal last value, that should be 9 only, right? For suppose 1 by 7 value is nothing but 0.142857 is there. Am I right? Now see, if you divide this number into equal parts, so 412857, if you add them together, then you are getting 99. Are you getting my point? Yes, sir. Is it clear? इसका मतलब क्या है कि suppose 1 by 7 value आप find out कर रहा है, 1 by 7 value find out कर रहा है, इसमें कितना digit आएगा वो मैं बाद में बता, ठीक है? इसमें 6 digits आएगा, 6 में पहला 3 digit find out करेंगे, बाद में 3 digit find out करने का जरूरत नहीं, क्योंकि complement use करके, 9 का complement use करके हम बाकी remaining part को find out कर सकते हैं. ये बात क्लियर? यस सर. सपोज 1/13 है, 1/13 का आंसर क्या है? 0.076923. अब एक बार ऑब्जर्व करो, 999, मतलब यू हैव टू फाइंड ओनली 3 डिजिट. आफ्टर 3 डिजिट वी कैन इजीली राइट बाय द यूजिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9. सर लेकिन सिक्स से ज्यादा भी तो आ सकते हैं ना? क्या जी? जो आ हमारे सकता है, वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. वेट, 1/19 है, इसका वैल्यू क्या है? 0.052631. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, इसका half of the value मैंने लिख दिया था. Remaining value इसका क्या है कि, ठीक है. Next answer, 9, 5 का complement 4, 7, 3, 6, 8, 4, 1. एक मिनट. 2, 1. समझ में आ गया बात? अच्छा, बीच में 1 नहीं होता है, मैंने गलत लिख दिया. राइट, 3, 3, 3. हाँ, इसी तरह एचएल का 1/19 का पूरा आंसर है, लेकिन हाफ ऑफ द वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग हाफ ऑफ द वैल्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 करेंगे. मैं बताने का रीजन क्या है कि स्वामी जी ने ऑब्जर्व किया है कि
पहले इसका वैल्यू ये तो फाइंड आउट कर दिया था, लेकिन बाद में नंबर्स को विजुअलाइजेशन करके यार कुछ भी विलोकन करके उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि हाफ ऑफ द वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नाइन यूज करके पता कर सकते बोल के स्वामी जी ने क्या किया था इधर अपन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाइन दिया है। ये बात समझ में आएगा सबको? यस सर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, 1/7 में 3 डिजिट के बाद कट किया मैंने, 1/19 के एग्जांपल में 9 डिजिट के बाद कट किया, लेकिन 1/13 में मैंने 3 डिजिट के बाद कट किया है। एक्चुअली ये कटिंग कैसा करते हैं, इसको कोई फॉर्मूला है क्या इसमें, हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है? राइट, सो द डिनोमिनेटर -1 लाइक 19 है तो 18 नंबर्स पॉइंट में आए, 7 है तो 6 आया, इज इट सो समथिंग, नॉट श्योर। हां ऐसा होता है, जस्ट अ गेस, ऐसा होता है। हां मतलब जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू होता है उसमें से एक कम, उसमें से एक कम वो क्या डिनोटर करता है, डेसिमल डिजिट को डिनोट करता है। ये बात क्लियर सबको? इसमें 7 डिजिट है, अपन को 6 डेसिमल डिजिट आ गया, मतलब 6 आता है अपन को पता है, उसलिए 3 डिजिट को फाइंड आउट करके बाद में 3 डिजिट हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 को यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते। 1/19 है, क्या है इधर 1/19 है, 1/19 में पूरा डिजिट काउंट करिए यहां से यहां तक पूरा 18 डिजिट्स होता है, कितना डिजिट होता है 18 डिजिट्स होता है, मतलब 9 डिजिट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 को यूज करके आंसर लिख सकता है। और इधर एक सुनो सुनो वहां ही आ रहा हूं, ये रूल हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे, किसका ऊपर, 1/13 का ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, कितना डिजिट आना है एक्चुअली 12 ना, 12 आना था जनरली अकॉर्डिंग टू द फार्मूला व्हाट एवर स्वामी जी की, लेकिन कितना डिजिट आया था मेरे को इधर 3 से इस कर लिया था सर हमने, कितना आया था 3 एंड 6, सो 3 पे हमने 3 कर लिया ना, 076 दैट वाज 923, नहीं 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 एक्चुअली 12 डिजिट आना है, स्वामी जी बोला है कि 12 डिजिट आना है, लेकिन इसका हम करेंगे अगेन द सेम नंबर्स विल बी रिपीटेड, 923076 विल बी रिपीटेड लाइक दिस, ऐसा नहीं है। स्वामी जी क्या बोलता है कि सपोज यहां 7 है ना, 7-1=6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएगा, ये बार बार रिपीट होगा, समझ में आ रहा ना बात? यस सर। 18 डिजिट आएगा, अगेन दिस 18 डिजिट विल बी रिपीटेड, मतलब आई कैन पुट द डॉट ओवर हियर एंड हियर, पूरा नंबर आएगा वो, उसके बारे में स्वामी जी बात कर रहा है, उसी टाइम है 1/13 का 12 डिजिट आना है एक्चुअली, वो 12 डिजिट बार बार रिपीट होना है, लेकिन इस टाइम पे कितना डिजिट आया था 6 आया था, यस, उसका रीजन क्या है? सर 13-1=12, 3 power समथिंग, नहीं इसका रीजन क्या है कि मैंने पहले बताया था कि नंबर्स को डिफरेंट, उसका डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स होता है, क्या होता है नेचर्स होता है, सबको ये रूल अप्ले नहीं होता है, कुछ नंबर को अप्ले होता है नेचर से कारण, उसका डिफरेंट डिफरेंट नेचर होने के कारण जो भी आंसर्स इमिडिएटली एंड हो जाता है, और क्या होता है कि इसको विजुअलाइजेशन करके देखेंगे हमको रिपीटेड आंसर्स अंदर अंदर आ जाता है, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सिंपल से यह एक बात में क्या बोल रहा हूँ, नंबर्स को नेचर अलग अलग होता है, उसी कारण से D-1 सबको अप्ले नहीं होता है, बात क्लियर? ओके सर। एग्जांपल में देता हूँ, 1/18 कितना डिजिट आना है,
88 डिजिट आना है, ये 88 डिजिट बार बार रिपीट होना है, लेकिन 44 डिजिट के बाद अगेन रिपीट हो जाता है इसको, क्योंकि उसका नेचर है वो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। सपोज 1/79 है, ये कितना डिजिट में एंड होना है, 78 डिजिट एंड होना है, राइट? लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये 13 डिजिट के बाद रिपीट हो जाता है। सपोज 1/99 है, इसका वैल्यू कितना होना है, 98 डिजिट आना है पहले, ये 98 डिजिट अगेन रिपीट होना है, लेकिन इसका आंसर 01, मतलब 2 डिजिट के बाद रिकरेंट हो जाता है 99। बात समझ में आ रही है ना आपको? सपोज 1/29 है, ये 28 डिजिट आता है, यूनिकली आता है, मतलब एक एक पेर आता है, वो पेर के बाद फिर से 28 डिजिट रिपीट होता है बार बार, अगेन 28 डिजिट, इसको अप्ले होता है क्योंकि उसका नेचर ये फॉलो कर रहा है। लेकिन इसी तरह स्पेसिफिक वो डिजिट होता है वो फॉलो नहीं करता है, उसका नेचर डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? यस सर। लेकिन अब बुक पढ़ के डायरेक्ट ए स्टेटमेंट नहीं देना है कि डी माइनस वन इज ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स नहीं होता है। ये डी माइनस वन को हम क्यों यूज करना है, मैं एक बात बताता हूं। सपोज ऑफ ऑफ द डिजिट आप लिखने चाह रहा है तो कहां कट करना पता होना ना, उसलिए यूज करता है हम, ठीक है? लेकिन सबको यूज अपने नहीं होता है, वो बात आप ध्यान में रखना है इस पॉइंट में, ठीक है? जो भी आप तक कोई स्पेसिफिक रूल है क्या कि कुछ नंबर्स में ही यूज होगा? ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था कि मेरा आंख को नहीं दिखाया कि स्पेसिफिक इसको आएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन जो भी एग्जांपल्स हम इकट्ठा करके प्रैक्टिस शीट जैसा बनाते ना, उस प्रैक्टिस अंदर अपन को पता लगता है कि इसको आएगा इसको नहीं आएगा, उससे ज्यादा हम करने का जरूरत नहीं। लेकिन सबको हम एक ही टेक्निक यूज करेगा आंसर फाइंड आउट करने की। लेकिन ये जस्ट एक स्टेटमेंट था, ऑब्जर्वेशन था, इसमें उतना स्ट्रेस लेके आप डिस्टर्ब होने का जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट एक पॉइंट था, क्लियर? राइट। हम डेसिमल जो भी रिकरिंग डेसिमल्स है इसको हम फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 6 सूत्र तो यूज करना पड़ेगा। क्या है कि एक विलोकनम सूत्र यूज करना है। विलोकनम सूत्र का मतलब अभी हम कितना डिजिट आएगा ये सब कुछ हम चेक किया ना, ये विलोकनम चले जाता है। विलोकनम मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। और एक होता है कि शेषांकेना कर्मेना, ओके, शेषांकेना चर्मेना, मतलब द रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट। आपको एक बात बताता हूँ, सिंपली मेरे को एक बात बोलो। डिनोमिनेटर में 9 है, क्या है? 9 है। लास्ट डिजिट क्या होगा डेसिमल के बाद? तो 1। हाँ 1 होगा। ये मैं आपको बताने का रीजन क्या है कि हम रिकरिंग डेसिमल दो तरीका में फाइंड आउट करते हैं। एक तरीका डिवीजन में करते हैं और एक तरीका क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक है? इस दोनों मेथड से हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसमें एक मेथड को हम यूज करते हैं कि लास्ट डिजिट से आंसर फाइंड आउट करते हैं। लास्ट डिजिट का आंसर फाइंड आउट करने के लिए पहले पता होना है कि लास्ट डिजिट क्या है, इसलिए पहले मैं आपको सब कुछ बताया था। मैं अब तक जो भी पॉइंट्स बताया था, एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, वो कहा मिस नहीं होता है। Yeah, so sir, when you said 1 divided by 99, so that's 0.1, so that 1 came over and then we have to start taking the same number. हाँ, वो सब पॉइंट्स अपन को यूज होता है, इसलिए आप सब पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा, ठीक है? राइट। मैंने अब आपको क्या बोला था आपने, मैंने हाँ या शेषांक कर्मेना, ओके ये हो गया। और एक आदि के ना होगा,
ठीक है, ये आपको सबको पता है, एक आदि के ना पूर्वे ना, ये फार्मूला हम यूज करता है। और कोडेड लैंग्वेज होता है, क्या है कोडेड? स्वामी जी का बुक आप एक बार ओपन करके देखेंगे तो उसमें कोडेड सूत्रास होता है एक चैप्टर, वो चैप्टर भी हम इधर इंक्लूड है स्पेसिफिकली। एक चैप्टर में वो कोडेड लैंग्वेज को स्वामी जी ने यूज किया था। और कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी हम इधर यूज करते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हिंदी में बोले तो पूरक और अनुरूपीय। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो कॉन्सेप्ट भी हम इधर भी यूज करते हैं। इसी तरह बहुत सारे सूत्रास को हम यूज करते हैं, पर्टिकुलर एक नहीं होता है, एक आदि के ना ये हमको अलग होता है, हम फाइंड आउट करने के लिए यूज करता है। अब हम थोड़ा अंदर चलेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। सक्सेसिव रिमाइंडर बोल के स्वामी जी एक वर्ड यूज करता है बुक में, क्या वर्ड था? सक्सेसिव रिमाइंडर, रिमाइंडर बोल के एक नाम यूज करता है, वो क्या है, वो काई की यूज करता है, हम देखेंगे। बहुत अच्छा होता है कि वेरी इंटरेस्टिंग होता है, मेरे को भी पढ़ने के समय पर बहुत मजा आया था। सपोज 1/7 है, इसका आंसर क्या है आप उनको पता है कि 0. पहला 14 था, उसके बाद 28 था, उसके बाद 57 था, ये डबल होते जाते हैं वैल्यू, इधर यहाँ से यहाँ डबल होता है, यहाँ से यहाँ डबल होता है, ऐसे डबल डबल होके जाते हैं। उस वजह से अपन आराम से लिख सकते हैं इस वैल्यू। हम जनरली इस वैल्यू को नॉर्मल डिविजन में करके देखेंगे, कौन सा डिविजन में? नॉर्मल डिविजन में पहला 0, मतलब इधर हम 0 लिख देंगे, हम 7 सबट्रैक्ट करने के बाद इधर 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3, और 30 हो गया। फिर से सही लिख रहा हूं मैं? यस सर। पहला वन टाइम मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, 7, उसके बाद 28 सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, तब कितना मिल जाएगा अपन को इधर? 2 सर, सो 20 देन 14, तो 20 बन गया। सो 2 टाइम्स करेंगे, इधर अपन को 14 आ गया, 14 का मतलब 6 रिमाइंडर था। ठीक है, सो 0 और कितना टाइम्स ले सकते हैं अपन? 8 टाइम्स, 56। सो रिमाइंडर कितना है इधर? 4, 5, सही बात है, 35 आप ऐड कर देंगे, 50, 49, 5 आ गया ना इधर? या 5, ठीक है, 50, 7 टाइम्स ले सकते हैं, है ना? लेकिन मैं इधर क्या बोल रहा हूँ, सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में बोल रहा हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट लगता है कि क्या है सब कुछ, स्वामी जी इतना डेप्थ कैसा सोचा, ये भी आप देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्ट होता है। क्या बोलता है कि स्वामी जी इधर जो भी मैंने ब्लू ब्लू कलर में लिख के आया ना इधर 3, 2, 6, 5, 4, 5 इसी तरह, उसको स्वामी जी बोलता है कि 3, 2, 6, 4, 5 ब्लू कलर में है इधर, देखो एक बार, है ना? इसको स्वामी जी बोलते हैं कि सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्वामी जी? सक्सेसिव रिमाइंडर को यूज करके हम इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्वामी जी बोलते हैं। कैसा? कैसा है कि जो भी लास्ट डिजिट होते हैं ना डिनोमिनेटर में, सर 7, 4 are 28 ना, सो देन वी कैन पुट आफ्टर 2, 8, 5, 7, 4, 7 लाइक दैट वे। सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है लास्ट यूनिट डिजिट, उस यूनिट डिजिट को लेके क्या करना है, ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 7 आ गया, 5, 7 are 35 जस्ट राइट यूनिट प्लेस डिजिट, 4, 7 are 28 2 छोड़ दो, 2 का लेने का जरूरत नहीं, 6 into 4, 42 और 2 into 7, 14 और 3 into 7 दैट इज 1, ये अपन का रिपीटेड डिजिट था। मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर को फाइंड आउट करके भी अपन ये वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक डाउट आएगा, क्या सक्सेसिव रिमाइंडर कैसा फाइंड आउट करते,
आप तो क्या किया है, नॉर्मल डिवीजन करके हमको बताया कि ये सक्सेसिव रिमाइंडर था बोल के, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सक्सेसिव रिमाइंडर कैसा पता चलता है? इसीलिए स्वामी जी ने एक बढ़िया तरीका दिया है। तरीका क्या है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल किया था इधर स्वामी जी ने। आप एक बार देखिए, पहला मेरा ये रिमाइंडर था वन, उसके बाद थ्री था, मेरे थ्री वन इज टू थ्री रेशियो में ये सब कुछ चलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलेगा। मतलब इधर क्या है कि पहला वन है ना, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री आ जाता है, ये बात क्लियर। अब इस थ्री को, थ्री को फिर से थ्री से मल्टीप्लाई करेगा, इस थ्री को, इससे बात कर रहा हूं, पहले इसको करके ए लिख दिया मैंने, फिर इस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर नाइन आ गया। लेकिन नाइन सेवन से बड़ा होते ना, इसलिए डिवाइड करेंगे तो टू रिमाइंडर बच जाएगा, वो रिमाइंडर मैंने इधर लिख दिया। फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स आ जाता है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, एटीन आ जाता है, लेकिन फोर्टीन सबट्रैक्ट करने के बाद फोर आ जाता है, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वेल्व आ जाता है, सेवन से बड़ा है, सबट्रैक्ट कर दो सेवन, फाइव आ जाता है, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्टीन आ जाता है, फिफ्टीन में फोर्टीन, सेवन का मल्टीपल निकाल दो वन आ जाता है, फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो, मतलब अगेन थ्री रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरह हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। इसी तरह सक्सेसिव रिमाइंडर को फाइंड आउट करके उसको यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अपन को जो भी रिकरेंट डेसिमल डिजिट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्वामी जी ने बताया ये मेथड वन, इसी तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेथड है बोले तो है, एग्जिस्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहे ना। और जो भी इधर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट भी स्वामी जी यूज करता है, नेगेटिव रिमाइंडर्स को भी यूज करता है। कौन सा रिमाइंडर्स को? नेगेटिव रिमाइंडर्स को भी यूज करता है, वो बहुत अच्छा टेक्निक होता है। मैं उसको हेलो, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. So, like where is this applicable? Like 48 divided by 7. So can we use this digits counting somewhere? Like 48 divided by 7? No. Can you समझ में है आपने? फिर से बोलना क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? Sir, now you gave us this logic, right? Like 1 divided by 7, you have this number and again it is repeated. So अगर मुझे ये 48 by 7 करना है, तो successive remainder का theorem मैं कैसे use करूँ? 48 by 7 का हम यूज करना है, ये पता है आप उनको, रिकरिंग डेसिमल सही है ना बात? 7 5 35। हाँ, अब इधर सुनो, एक इधर हम क्या करता है, नॉर्मली डिवीजन कर दो। नॉर्मली डिवीजन करने के बाद अपन को कितना आ जाता है इधर? 7 5 35 and third, then you have 8 80, कितना आ जाता है? You have 8 as remainder, no? So you can do again 7 1s 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7 6 42 7
पॉइंट लगा के हम इस पार्ट को स्वामी जी दिया है और टेक्निक यूज करके रिकरिंग आंसर हम फाइंड आउट करते हैं. हाँ सर, सो वी हैव 60 ओवर हियर, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ना. हमने 60 माइनस 56 किया था. कहाँ से 60 माइनस 56? अगर ये वही रिपीट होगा ना, 60 से 40, 40 से 50. You have this calculation. यहाँ से होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पूरा कॉन्सेप्ट पहले आप फोकस करेंगे कि स्वामी जी क्या बोल रहा है, क्या बोलने चाह रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले. ठीक है, क्लियर है ना सब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? यस सर. राइट.